तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ दिनों से प्रॉब्लम चल रही है स्ट्रॉन्ग गेन के ऊपर विड्रावल के सिलसिले में, और कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि व्यूवर्स और सब्सक्राइबर सवाल कर रहे हैं कि वो तीन चार क्वेश्चंस हैं उनके आपको जवाब मिल जाएंगे। तो कई लोगों की माइनिंग वगैरह नहीं हो रही, और कई लोगों ने माइनिंग काफ़ी सारी की है और उनका विड्रा वगैरह नहीं हो रहा, और कुछ लोगों के अकाउंट्स जितने भी थे वो बैंड हो चुके हैं। तो उनकी रीजंस क्या हैं वो सारी की सारी इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ, सारी की सारी जो भी उनकी प्रॉब्लम चल रही है। तो देखें, ये कई लोगों के तो चल रही है माइनिंग, आपके सामने मैंने दिखा दी है। तो उसके अलावा कई लोग हैं जो परेशान हैं इस वजह से, तो उनकी रीजंस वगैरह जो कि स्टॉर्म गेन की तरफ से बताई गई हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जो बात आती है वो ये है कि बैंड अकाउंट, तो अकाउंट किस वजह से बैंड किया गया है। तो देखें दोस्तों, आप लोगों ने कोई इस तरह के से या तो आपने वेरिफिकेशन नहीं की, या फिर ऐसे किया है कि आपने एक ही इंटरनेट के ऊपर अपना जो लिंक है भेज कर अपने ही नंबर पर के ऊपर आपने वो वेरिफिकेशन सॉरी अकाउंट बनाए, और एक ही मोबाइल के ऊपर आपने माइनिंग वगैरह की है दो दो तीन तीन अकाउंट से, ठीक है। तो ये मेन रीज़न है, ये इन्होंने आर्जी तौर पर बैंड कर दिए, ठीक है। तो आने वाले वक्त में ये एक दो दिन के बाद पता चलेगा कि क्या हम इसको रिकवर कर सकेंगे या नहीं, मतलब कि फिर से हासिल कर सकेंगे या नहीं, वो आने वाले वक्त में पता चलेगा, एक दो दिन के अंदर या 48 घंटे के अंदर 72 घंटे के अंदर पता चल जाएगा। उसके बाद 3 USDT बोनस जो कि रेफरल लिंक से मिलता था, उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन वगैरह आ रहे हैं कि वो क्यों नहीं मिल रहा। तो ये भी उन्होंने फ़िलहाल इन्होंने बैन कर दिया, मतलब कि डिसेबल कर दिया, ये भी एक आर्जी तौर के लिए डिसेबल किया है। उनकी क्या रीज़न है वो नहीं बता रहे, काफ़ी देर मैंने उनसे बात भी की है कि ये क्यों है इस तरह की, उन्होंने यही बताया कि हमारी जो ट्रैफिक है बहुत ज़्यादा हो गई है, तो सिस्टम थोड़ा सा ना मतलब कि लोड हो चुका है, तो इस वजह से हो रही है, ठीक है। तो ये दो बातें आपको क्लियर हो गई होगी। उसके बाद आती है माइनिंग फेलियर। तो ये जो माइनिंग फेलियर के मसला है, ये एक रूटर होने की वजह से या एक इंटरनेट कनेक्शन की वजह से हो रहा है कि एक ही कनेक्शन के ऊपर आप तीन तीन चार चार अकाउंट्स उनको मतलब के कर रहे हैं, माइन कर रहे हैं उसके ऊपर, ठीक है। एक ही कनेक्शन से तीन तीन चार चार मोबाइल्स के ऊपर आप मुख्तलिफ मतलब के लैपटॉप के ऊपर भी कर सकते हैं, एक ही कनेक्शन के साथ आप तीन तीन चार चार अकाउंट बनाकर उसके ऊपर कर रहे हैं, तो ये माइनिंग का फेलियर हो रहा है, ठीक है। तो आगे आती है विड्रॉ की प्रॉब्लम कि विड्रॉ क्यों नहीं हो रहा। तो देखें, विड्रॉ पहले नहीं हो रहा था, अब हो रहा है, ठीक है, इनेबल कर दिया गया है कंपनी की तरफ से, हुआ था जो कि डिसेबल विड्रॉ का प्रॉब्लम वो सॉल्व कर दिया है, लेकिन फिर भी आपको ऑप्शन आता है कि आपने आपका मतलब कि एरर वगैरह आपको सामने नज़र आता है जो कि रेड कलर का आपको नज़र आता होगा, तो उसको कैसे हल करना है। उसको आपने ऐसे करना है कि अपनी सेटिंग में जाना है, पहले मैंने एक वीडियो बना दी है कि आपने क्लियर छे कैसे करना है, आपने ये जो क्लियर छे है इसको आपने क्लियर करना है, वो सेटिंग में जाना है, एप्लीकेशन के अंदर जाना है, उसके स्टोरेज में जाना है, उसकी स्टोरेज में जाने के बाद आपने क्लियर कर देना, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये क्लियर करने का जो मैंने मेथड बताया वो पिछली वीडियो में बता दिया मैंने, ठीक है, तो वो काम करें तो ये भी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो उसके अलावा ये जो अकाउंट वगैरह चला रहे हैं तीन तीन चार चार, ये मतलब कि उनको ये लगा कि सिर्फ़ और सिर्फ ये फेक ट्रैफिक आ रही है, उसकी वजह से उन्होंने इस तरह किया है कि अकाउंट्स वगैरह बैन कर दिए, लेकिन ये एक दो दिन के अंदर ना पता चल जाएगा कि इनको हमने दोबारा फिर से कैसे रिकवर करना है, तो वो आपके साथ शेयर कर देंगे। तो अगर आप जानना चाहते हैं या आपकी इस तरह की प्रॉब्लम है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसकी सलूशन इसी चैनल में इंशाल्लाह सबसे पहले मिल सकेगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।